सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी का नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक स्पेशल मेल के बारे में जो आपको आया है आर्केड इनसाइडर्स की तरफ से। समझाता हूँ क्या ये मेल है, आपको कहाँ पे ये मेल आपकी अंदर देखने को मिलेगा ईमेल के, एंड पूरी प्रोसेस एंड इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको जानना जरूरी है, जिसके थ्रू आप जो है काफी अच्छे से इवेंट को एक्सप्लोर कर पाओगे और भी ज्यादा, और आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो भी समझ पाओगे। साथ ही साथ इवेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है वो भी इस ईमेल के अंदर काफी अच्छे से लिख के बताया गया है। सो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वीडियो को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आते रहते हैं जिसके थ्रू आप इलिजिबल हो पाते हो काफी सारी नॉलेज कुडीज एंड स्वैग्स को अर्न करने के। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें जाना है आर्केड के इनसाइडर्स के अंदर मेल के अंदर, तो इस टाइप का कुछ मेल आया है जिसके अंदर आपको ये मेल जुलाई के लिए आया है, ऐसे अगस्त मंथ के लिए भी आएगा नेक्स्ट मंथ, एंड ऐसे आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस मेल में बताती जाएगी। बात करते हैं भैया ये ईमेल हमें कहां देखने को मिलेगा। सो ये ईमेल आपको मिलेगा आपके स्पैम सेक्शन के अंदर, ये जो स्पैम सेक्शन होता है ना इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो मेल है जीमेल को ऐसा लगता है कि सस्पिशियस से कुछ गलत है इस ईमेल में, तो वो स्पैम में पटकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये ईमेल बहुत बेसिक सा है, इसके अंदर लिंक्स रहती है इसलिए वो ऐसा कर देता है, बट ये ईमेल में आपको काफी सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलने वाली है। बात कर लेते हैं इस ईमेल में आपको क्या क्या समझने को मिलने वाले। तो सबसे पहले ये जो है आपका वेलकम कर रहे हैं जुलाई एडिशन के आर्केड इनसाइडर्स मेल के अंदर, ये एक ऐसा मेल है जो आपको अल्टीमेट रिसोर्स प्रोवाइड करता है लेटेस्ट अपडेट के बारे में आर्केड गेम्स के, साथ ही साथ फ्री क्रेडिट्स और काफी सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। बात कर लेते हैं कि यार इधर आके बैचेस लिखे होंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन अर्निंग 4 बैचेस सो फार इन दिस न्यू सेशन ऑफ आर्केड। अब एक चीज ध्यान रखना कि इसके अंदर जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है वो 3 दिन पुरानी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो अगर आपने कल में या उसके एक दिन पहले या उसके एक दिन पहले कोई बैच कंप्लीट करा है तो वो अभी इस मेल में काउंट नहीं होगा, वो जब ये मेल नेक्स्ट टाइम सेंड करा जाएगा उसके अंदर आपके सारे बैचेस काउंट होंगे, ठीक है। सो यार अभी जो है आपको टेंशन नहीं लेना है कि भाई इधर बैच कम दिखा रहा है, ठीक है, इसके अंदर आपको बैच एकदम करेक्ट दिखाता है, बट फिलहाल ये 3 दिन पुरानी इन्फॉर्मेशन है तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। बात कर लेते हैं यार इनका लेवल 1 और लेवल 2 जो चल रहा है वो अब जल्दी एंड होने वाला है, तो प्लीज इसे जल्द से जल्द कंप्लीट कर लीजिए, जिसके थ्रू जो है आप एलिजिबल हो पाओ काफी सारे जो है बैच अर्न करने के, ठीक है। क्योंकि दोनों ही लिंक्स के अंदर जो है सॉरी इन दोनों ही लेवल्स के अंदर आपको काफी सारे लिंक्स देखने को मिलती है जिसके थ्रू आप एक्स्ट्रा पॉइंट अर्न कर सकते हो। बात कर लेते हैं, क्विक रिमाइंडर है इनकी तरफ से कि यार आप जो है जल्द से जल्द लेवल 1 और लेवल 2 जो है कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे क्वेस्ट है जो आपको काफी सारे पॉइंट्स देंगे और काफी सारे स्किल बैचेस है जो आप कंप्लीट कर जो है डिजिटल बैच अर्न कर सकते हो और उससे जो है ज्यादा स्वैग्स अर्न कर सकते हो, ठीक है। रिमेंबर आपको एक चीज रखनी है कि 3 स्किल बैच का 1 पॉइंट है, ठीक है, ये इन लोगों ने बताया गया है। नीचे स्क्रॉल करते ट्रिविया जुलाई भी चल रहा है, तो अगर आपने अभी तक अपना जो 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन उसे क्लेम नहीं करा है तो प्लीज 28 जुलाई से पहले पहले उसे क्लेम कर लेना, वरना फिर आप क्लेम नहीं कर पाओगे एंड आपके पास क्रेडिट्स नहीं रहेंगे, ठीक है। बात कर लेते अगर आप जो है फैसिलिटेटर प्रोग्राम के पार्ट हो, यदि आप मेरे अंडर एनरोल हुए हो या किसी भी फैसिलिटेटर के अंडर एनरोल हुए हो, सो आपको जो है टाइम टू टाइम एक प्रोग्रेस रिपोर्ट सेंड करी जाएगी और आपको चिंता नहीं करना है, हम धीरे धीरे उसे अपडेट करते रहेंगे और आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि आपने कितना माइलस्टोन कंप्लीट करा है, ठीक है, और प्राइस काउंटर कैसे ओपन होगा कब ओपन होगा वो भी जल्दी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। जो पिछले इवेंट हुए थे उनके कुछ चैंपियंस की यहाँ पे फोटो डाली थी जिनके पास सबसे ज्यादा बैचेस थे, तो यानी इन लोगों ने जो है 43 बैच कलेक्ट करे थे, ठीक है। सो ये उनको जो है मेंशन करा गया, साथ ही साथ आप जो है नीचे स्क्रॉल करके समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने अभी रिसेंटली में सर्टिफिकेशन कंप्लीट करे उनको शॉर्ट आउट दिया गया है। साथ ही साथ आपको अगर प्रीवियस ईयर के स्वैग्स को देखना है तो यार इस पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हो और एक तरीके से बोल सकते हो कि देख सकते हो कि यार क्या नए प्राइजेस जो है इन लोगों ने पिछले साल दिए थे और इस साल क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी जो इस मेल में आपको प्रोवाइड करी थी, जो काफी अच्छी है मेरे ख्याल से आपको, क्योंकि इनमें काफी सारी चीजें समझने को मिल रही है इवेंट्स रिलेटेड। सो यार इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।